स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके स्पेशल बाय स्पेशल पे। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे झारखंड में बेरोजगारी दर। ये बेरोजगारी दर जो है राष्ट्रीय औसत से भी अधिक हो गई है, तो इस पे चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि कैसे जो है झारखंड में 1,00,000 से भी अधिक सरकारी पद जो है रिक्त है, और इसमें से 13,000 पदों पे नियुक्ति प्रक्रिया जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लंबित है, और 2,300 से भी अधिक जो है पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जीपीएससी में लंबित है। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं से संबंधित जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसकी सूचना आपको मिलती रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि राज्य के गठन हुए लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। इन 20 वर्षों में राज्य की नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होने की वजह से और विभिन्न विभागों में नियमावली प्रक्रिया जो है स्पष्ट नहीं होने की वजह से झारखंड में नियुक्ति प्रक्रिया जो है या तो लंबित रही है या तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ये सब में फंसी रही है। तो इसकी वजह से देखिएगा कि 1,00,000 से भी अधिक जो सरकारी पद है वो रिक्त है, जबकि सरकारी सेवाएं जो है युवाओं की पहली प्राथमिकता होती है। तो अब इस वजह से और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से देखिएगा कि झारखंड में जो बेरोजगारी दर है वो नेशनल एवरेज 6.3 से अधिक है और झारखंड में बेरोजगारी दर 7.7% है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इस बेरोजगारी दर का एक सबसे बड़ा कारण है कि राज्य में ही सरकारी सेवाओं के लिए जो पदे हैं उन पदों में लगभग 1,00,000 से भी अधिक पद जो है रिक्त है। उसमें से ज्यादातर जो पद है वो शिक्षा विभाग में है और फिर गृह विभाग में है। शिक्षा विभाग में देखिए प्राथमिक शिक्षकों का ही लगभग 23,000 पद जो है रिक्त है। इसी तरह से विश्वविद्यालय में 4,000 से भी अधिक जो है शिक्षक और शिक्षेतर कर्मचारियों का पद रिक्त है। फिर अब 1,00,000 से अधिक पद जो रिक्त है इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि राज्य में नियोजन नीति नहीं होने की वजह से। नियोजन नीति तो है लेकिन उसको लेकर के देखिएगा हाई कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिर बहुत सारे विभाग में देखिएगा कि नियुक्ति नियमावली के पेच होते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से देखिएगा कि अभी तक झारखंड में जेपीएससी जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके द्वारा केवल 17,000 पदों पर नियुक्ति की गई है। अब इस 17,000 पदों पर भी जो नियुक्ति की गई है उसमें देखिएगा कि 18 जो मामले हैं वो सीबीआई के जांच के दायरे में है। फिर बहुत सारे मामले जो है 22 मामले जो है हाई कोर्ट में है। फिर एक जो द्वितीय जीपीएससी का मामला है वो तो सुप्रीम कोर्ट में है। तो इस तरह से जो भी नियुक्तियां हुई है उनको भी लेकर के विवाद रहा है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सीबीआई तक ये सब मामला पहुंचा है। अब ये सब नियुक्ति नियमावली और स्पष्ट नहीं होने की वजह से भी देखिएगा कि ये सब पद जो है रिक्त है। अब झारखंड में ही देखिएगा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो है 1,00,000 से भी अधिक जो पद रिक्त है उसमें से 13,000 से भी अधिक पदों पे नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लंबित है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में। इसमें मुख्य रूप से आप जान ही रहे जैसे पंचायत सचिव का पोस्ट है, लिपिक का पोस्ट है, उत्पाद सिपाही का पोस्ट है, हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है। इस तरह के तमाम जो है 13,000 से भी अधिक पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लंबित है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में। और उसका एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो नियोजन नीति है उसको लेकर के जो केस चल रहा है उसकी वजह से है। फिर जो है जेपीएससी में जहां पे जो है 2,300 से भी अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया जो है लंबित है, लेकिन वहां पे कोई मतलब कि नियोजन नीति या इस तरह का कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि वहां पे गजेटेड पोस्ट की नियुक्ति की जाती है तो उसमें विभागीय नियमावली पेंच है, इसकी वजह से वहां नियुक्ति लंबित है। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि 1,00,000 से भी अधिक पद रिक्त है, झारखंड के युवा बेरोजगार हैं, सरकार वादा कर चुकी है कि हम 5,00,000 नौकरी देंगे, तो इन सभी वस्तु स्थिति के बीच में राज्य सरकार जो है विकास आयुक्त के नेतृत्व में एक स्पष्ट जो है नियुक्ति से संबंधित जो है प्रक्रिया को तेज करने के लिए कमेटी का गठन की है। तो अब देखना है कि वो कमेटी का रिपोर्ट क्या आता है और उसके आधार पे किस तरह की नियुक्ति की नीति अपनाई जाती है राज्य सरकार के द्वारा, क्योंकि राज्य सरकार पे युवाओं का भारी दबाव है, जेपीएससी पे भी दबाव है, कर्मचारी चयन आयोग पे भी दबाव है।
तो ये सभी को दबाव को देखते हुए ही राज्य सरकार जो है विकास आयुक्त के नेतृत्व में टीम का गठन की है, ताकि जो है जो पद रिक्त है उस पदों पे नियुक्ति की जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि क्या भयावह स्थिति है राज्य में, खास करके जो शिक्षित युवा बेरोजगार है उनके लिए बहुत ही भयावह स्थिति है सरकारी नौकरी को लेकर के। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।